आज के वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे सवाल के बारे में जो आप में से ज्यादातर लोगों को परेशान करता है, मेरी इंग्लिश क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही है। ये वीडियो मैंने जानबूझकर हिंदी में बनाया है ताकि आप मैं जो कहने वाली हूँ उसे समझ सकें। मेरा लगभग 6 से 7 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, क्लासेस लेती हूँ और उसी बेसिस पे मैं आपको बताऊँगी कि आपकी इंग्लिश क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही है। हाय, माय नेम इज त्रिलेखा। आई एम अ सेल्टा सर्टिफाइड ESL ट्यूटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। आई एम ऑल्सो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल लॉट टू लर्न। सबसे पहला रीज़न आपकी इंग्लिश इम्प्रूव ना होने का ये हो सकता है कि आपको ये ही नहीं पता कि आपका लेवल क्या है। मेरे पास खुद ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बिगिनर होते हैं और जिन्हें लगता है कि वो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, और जो इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं पर वो इतना लूज कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो बिगिनर हैं। सबसे पहले आप अपना लेवल समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ बिगिनर भी दो तरह के होते हैं, एक वो जिन्हें गो वेंट गॉन डू डिड डन ईट एट ईटन इस तरह के वर्ब फॉर्म्स याद हैं, कुछ बेसिक वर्ड्स के मीनिंग पता हैं, थोड़ा बहुत जानकारी उन्हें इंग्लिश की है। और दूसरे बिगिनर वो होते हैं जिन्हें ये वर्ब फॉर्म्स तक याद नहीं है, उन्हें ये ही नहीं पता कि गो एंड गॉन क्या होता है। अगेन, ये दो तरह के जो बिगिनर हैं उनका लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि आपका लेवल क्या है। जब आपका लेवल पता हो जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इंग्लिश की जर्नी में आगे बढ़िए। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आपके लिए क्या काम करेगा ये आपके लेवल पर डिपेंड करेगा। अब दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश नहीं इम्प्रूव हो रही है वो ये है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि बस स्पीकिंग हो जाए कैसे भी करके। ऐसा नहीं होता, ये एक लैंग्वेज है। यहाँ पे रिटन, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है इंग्लिश को सीखने की एज अ लैंग्वेज। और अगर आप इसे एक लैंग्वेज की तरह सीखेंगे तो देखिए, इंग्लिश का यूज़ दो जगह होता है, एक तो बोलने में, एक लिखने में, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ठीक है, आप लिसनिंग को थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख सकते हैं, लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप इसे एक लैंग्वेज की तरह नहीं सीखेंगे तो आप इसे ठीक तरह से नहीं सीख पाएंगे। आई नो, अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो बिना ग्रामर के सीख लेते हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या, बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं कनेक्ट हुई थी इंग्लिश स्पीकिंग ऐप्स, उस पर भी मैं आऊँगी, उसके बारे में बात करूँगी अभी तक। एक इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है, मैं नाम नहीं लूँगी, उस पर मैं कनेक्ट हुई थी किसी से, आई थिंक वो कोई यंगस्टर था फ्रॉम बिहार। उसने मुझसे इतनी कॉन्फिडेंटली बात की, लेकिन क्योंकि मैं ट्यूटर हूँ, मुझे आता है, और कोई भी मेरे अलावा भी एक जो इंटरमीडिएट लर्नर होगा वो इतनी इंग्लिश तो समझ लेगा, जो भी उसने कहा वो सब कुछ इनकरेक्ट था। तो अगर आप इस तरह से सिर्फ स्पीकिंग पे फोकस करोगे और सोचोगे कि मैं बेस ना बनाऊँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना करूँ, ग्रामर वगैरह को बिल्कुल ही इग्नोर करोगे, तो मैं बताती हूँ आप किस तरह से बोलोगे। आप कहोगे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे एंड आई एम गोइंग टू ऑफिस आफ्टर टेकिंग बाथ, आई एम वॉचिंग टीवी। तो ये ऐसा करके आप कुछ नहीं करोगे, आप अपना गंदा इंप्रेशन ही छोड़ने वाले हो इनकरेक्ट इंग्लिश बोलकर। थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, दैट्स ओके, लेकिन पूरी तरह टेंस को चेंज कर देना। एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट, स्पेशली बहुत ही कॉन्फिडेंटली लोग ऐसा करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि ग्रामर की तो ज़रूरत ही नहीं है इस लैंग्वेज में। ग्रामर की ज़रूरत है या नहीं है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, कब होती है और कब नहीं, तो वो आप, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगी। अब एक जो और चीज़ है जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है, इंग्लिश के बहुत सारे ऐप्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए आजकल, जहाँ पर आप किसी से कनेक्ट होते हो और उसके बाद आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हो कॉन्वर्सेशन की, और वो आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करता है। देखिए, नो डाउट आप प्रैक्टिस करोगे आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी, ये होता है अगर आप रोज़ 15 मिनट के लिए इंग्लिश बोलोगे, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो ऐप आपके लिए सही है
वो ऐप आपके लिए तब सही है जब आप एक इंटरमीडिएट लर्नर हो, आप लिख लेते हो इंग्लिश, ग्रामर को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होती हैं पर आपके मुंह से इंग्लिश निकलती नहीं है, फ्लुएंसी चाहिए। वहीं आप एक लर्नर हो, बिगनर हो, जहाँ पर आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है और आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कर रहे हो जो खुद आप श्योर नहीं हो जिसकी इंग्लिश खुद कैसी है, तो आप उससे वही सीखोगे जो सुनोगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐप्स में फोकस जो होता है वो फ्लुएंसी पे होता है, करेक्शन पे नहीं होता, तो कोई भी आपको वहाँ करेक्ट नहीं करेगा, तो जो आप गलत बोलते जा रहे हो वही आगे भी गलत बोलते जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, किसी एक नए पर्सन को सिखाना जो कि बिगनर हो बहुत आसान होता है, और किसी एक ऐसे इंसान को सिखाना जो ऑलरेडी गलत सीख कर आया हो, उससे वो गलत अलग करके उसके दिमाग में नया भरना बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं एज अ ट्यूटर कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्पेशली हाउस वाइफ्स को मैं देखती हूँ। एक जो बिगिनर होती है जब वो मेरे पास आती है और बिगनिंग से स्टार्ट करती है तो उनका इम्प्रूवमेंट बड़ा अच्छा होता है, वहीं जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से लेकर आते हैं ना, उनको इम्प्रूव कराना बहुत चैलेंजिंग होता है। हालांकि विल पावर होनी चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है, बट इन जनरल यही सीन होता है। एक और रीज़न, अब आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, आप बुक्स भी पढ़ते हो, फिर भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही। देखिए, आप कुछ भी कर लें पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। इंग्लिश अगर बोलना है तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप अपने आसपास कोई ग्रुप ढूंढिए, या जैसा कि मैंने बताया, अगर आप उस लेवल पे हैं तो आप कोई ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कोई क्लास ज्वाइन कीजिए, जो आपको ठीक लगे कीजिए, लेकिन आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों ने कभी क्लास ज्वाइन की और वो इम्प्रूव नहीं हुए तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बस अब तो मैं ये लैंग्वेज सीख ही नहीं सकता। तो लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत बड़ा रीज़न है, ये तो मैं भी कहूँगी, क्योंकि मेरे क्लास में भी कई बार ऐसा होता है कि एक दो बार स्टूडेंट्स ने पे किया और फिर बस एक क्लास आ रहे हैं, पहली क्लास ही नहीं आए। और मतलब सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं रेडी हूँ 100% देने के लिए, लेकिन क्लास में आना तो आपको ही पड़ेगा, तो ये सेल्फ मोटिवेशन आपको रखना पड़ेगा। अब आप इसके बाद आगे जाके ये कहोगे मैंने तो क्लास ज्वाइन की थी, कुछ हुआ नहीं, आपने क्लास अटेंड कहाँ की? तो ऐसे ही हो सकता है आपने कभी क्लास अटेंड की हो कहीं पर और आपको ऐसा लग रहा हो कि रिजल्ट नहीं मिले, तो एक किसी एक्सपीरियंस को लेके हम गिव अप नहीं कर सकते, वहाँ के सर्कमस्टांसेस कुछ और होंगे। हो सकता है आपने कुछ गलत जगह भी ज्वाइन कर लिया, हो सकता है आप ही के पास टाइम ना रहा हो सकता है आपने डिवोट ही ना किया हो ठीक तरह से टाइम। तो पहले तो इस माइंडसेट को पीछे छोड़िए, जो हो गया वो हो गया, अब अपने लिए एक टाइम डिसाइड कीजिए कि इतने टाइम पर मुझे सीखनी है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन जो है ना वो आपको नहीं सीखने देगा इंग्लिश, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। ये सोचना कि मैंने पैसे दे दिए, चाहे ऐप हो या क्लास हो, अब तो मुझे इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, टीचर तो है ही आपको गाइड करने के लिए, लेकिन आपको भी एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी, वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप ग्रामर पहले अपनी सही करोगे, अपना बेस सही करोगे, उसके लिए आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखते हो या जो भी करते हो, जो भी कर रहे हैं आप कंसिस्टेंट रहिए। कुछ दिन आपको देने पड़ेंगे, आपने आज किया फिर 10 दिन बाद देखा फिर 20 दिन बाद देखा, ऐसे नहीं चलता है। यू हैव टू डिसाइड 15 मिनट्स, यू हैव टू गिव 15 मिनट्स एवरी डे टू एनी वन थिंग। ऑल्सो यूट्यूब पर इतने सारे चैनल हैं, सबको मत देखिए, कन्फ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको खुद नहीं आती और वो लोगों को सिखा रहे हैं और लोग उनको कॉमेंट भी कर रहे हैं। मैं किसी को डिसहार्टन नहीं करना चाहती पर मुझे देख कर बड़ा खराब लगता है कि ऐसा तो मत करो, एटलीस्ट जिस चीज़ में आप अच्छे हो वो सिखाओ। गलत नॉलेज फैलाना बट ठीक है, पर लोग फॉलो करते हैं ब्लाइंडली उन चीज़ों को। तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको किसको फॉलो करना है, कोई भी एक पर्सन पकड़ो और उसी को फॉलो करो। कन्फ्यूज हो जाओगे वरना, आप सबका लेवल अलग अलग है, सबका समझाने का तरीका अलग अलग है। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे इसको टाइम देना है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, कुछ बेसिक चीज़ों को पहले कंप्लीट करो और उसके बाद फिर फ्लुएंसी पे आओ। इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए खास तौर से मैं कहना चाहूँगी, आपकी इंग्लिश इसलिए इम्प्रूव होती है कि आप अपनी मिस्टेक्स रिपीट करते हो। अगर आप देखिए, इम्प्रूवमेंट कब होता है, जब हम अपनी गलती को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि मैं अपनी क्लास का एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पास मान लीजिए 6 से 7 स्टूडेंट्स हैं, सब इंटरमीडिएट हैं। मैंने किसी ने एक मिस्टेक की, किसी ने यूज़ टू का यूज़ गलत किया, मैंने उसे एक बार बताया, नेक्स्ट टाइम उसने फिर वही मिस्टेक की, मैंने दूसरी बार बताया, फिर वही मिस्टेक की, मैंने तीसरी बार बताया। वही एक और है, जो एक और स्टूडेंट जिसे मैंने एक बार बताया और उसने उस चीज़ को यहाँ रख लिया
और उसने आगे वो मिस्टेक नहीं की, तो आप समझ सकते हो इम्प्रूवमेंट किसका होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट लर्नर्स के केस में ये होता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ आप लैग कर रहे हो और कहाँ आपको ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी। अपनी अपने लेवल को और अपने जो फ्लॉज हैं उसको आपको देखना है कि मैं यहाँ छूट जाता हूँ, हो सकता है आपके प्रोनंसिएशन अच्छे ना हो सकता है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा ना हो, आप रीअरेंज ना कर पाते हो, सेंटेंसेस बना ना पाते हो सकता है जब बड़े सेंटेंसेस की बारी आती है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाते हो। तो सबसे पहले आप अपना फाइंड आउट कीजिए कि यहाँ मैं लैक करता हूँ और वहाँ पर ही आपको वर्क करना है। ये सारे रीजंस हैं इंग्लिश इम्प्रूव ना होने के। और लास्ट सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब पे देख देख के इंग्लिश इम्प्रूव कर लोगे, ग्रामर हो सकता है आप इम्प्रूव कर लो, लेकिन स्पीकिंग पार्ट तब तक इम्प्रूव नहीं होगा जब तक आप स्पीकिंग मतलब बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे और कोई सवाल हो आपका इंग्लिश से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स अगर मुझे देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए आप किस तरह के वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे, क्योंकि मैं लगभग सब कुछ ट्राई कर रही हूँ और मुझे आपकी प्रतिक्रियाएँ नहीं मिलती तो मुझे समझ नहीं आता कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। सो आई विल ईगरली वेट फॉर योर कॉमेंट्स। इफ़ यू new here, please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much for watching me. I'll see you soon with one more video.